नहीं बस ठीक है इतने। गाइज़ वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज ये देखो मेरा फेस देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि आज क्या है, आज है होली। सो हम लोगों ने खेल ली है होली, और इस बार की होली मतलब थोड़ी हमारी वैसी थी क्योंकि ना अभी 2 महीने पहले हमारी दादी जी जो है ना एक्सपायर हुई थी, तो ज़्यादा कुछ होली का मतलब वैसा नहीं था। जो दूसरे लोग आते हैं मतलब फैमिली वाले या रिलेटिव्स आते हैं वही लोग आपको कलर लगा सकते हैं। सो बस वो लोग आए हुए तो उन लोगों ने थोड़ा बहुत कलर लगाया और हमारी थोड़ी सी हस्बैंड वाइफ की मस्ती हो गई। तो ये देखो पूरा उन्होंने ऐसा कलर लगाया, पूरा प्लेट मेरे मुँह जाके गला ना तो पूरा फेस फेस पे कलर लग गया। सो गाइज आज है होली, एंड होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड हमारे घर में बहुत सारे जो है ना प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं शादी के, एंड बहुत सारे फन होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे। एंड हमारे यहाँ क्या क्या होता है हमारे यहाँ शादियों में, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। सो कुछ कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगी, एंड आप लोगों के साथ शेयर आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। सो हमारे साथ बने रहिए ब्लॉग में, एंड बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। और आज से हमारे घर में बहुत सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, हल्दी मेहंदी एंड तेल चढ़ेगा, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ब्लॉग में। एक लिया आने के पूरा नहीं बस ठीक है इतने। आप तो लगा लो, आपको लगा हम तो नहीं आता लगा इसे लगा दो जिससे आपको लगाने बैठ के लगा बैठ के लगा मैं तो भी बैठ के लगवाना था। हां आप दिया है चौक पूर दिया है, एंड उसके ऊपर रख दिया है गेहूँ। अब इसके ऊपर रखेंगे खटिया। और ये बैठी है हमारी चाची, ये देखो इसको, ये देखो क्या खा रही है, ये चावल। गांव की शादी में ना क्या क्या रस्में होती हैं बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, एंड हमारे यहाँ क्या क्या होता है बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। सो सबसे पहली रस्म होती है हमारे यहाँ दाल की, दाल को रात में भिगोने के लिए रख दिया जाता है, एंड उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग बुलौवा दिया जाता है। बहुत सारी लेडीज आती हैं एंड उस दाल को ना फिर खटिए पर इस तरीके से डाल के उसको छिक्कल निकाले जाते हैं। बताओ खटिया पे क्यों करते हैं, खटिया पे क्यों करते हैं, खटिया पे होती है पीढ़ी से जो ये पुरखन ने किया इसलिए खटिया पे करना पड़ता है। यहाँ क्या करेंगे, इस पे दाल घिसेंगे, छिलका निकालेंगे है ना दाल का। इस रसम में सबसे पहले खाट को हल्दी एंड चावल से टीका जाता है, उसके बाद जो भी बुलौवा में सारी लेडीज आती हैं उनको भी हल्दी एंड चावल लगाया जाता है, उनको बुलौवा दिया जाता है, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे दाल को खटिया के ऊपर डालते हैं और 5 या 7 लेडीज बैठती हैं मतलब कि हाथ लगाती हैं, उससे फिर दाल को रगड़ा जाता है जिससे कि उसके छिक्कल अच्छे से निकल जाए। सो ये देखिए यहाँ पर सब लोग बैठेंगे, उसके बाद दाल को रगड़ेंगे और यहाँ पर सब लोग फिर गाना गाएँगे, और जो भी हमारे जो देवी देवता रहते हैं ना उनको उनको भी बुलाया जाता है और फिर गाना गाया जाता है उनके ऊपर। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। हाँ कह रहे हैं की जी हो कितने का मेरे।
दाल के छिकल निकलने के बाद फिर उसको लेकर जाते हैं धोने के लिए। और सबसे पहले ना हेडपम्प को भी पूजा जाता है एंड फिर उसके बाद यहाँ पे भगोने में सारी दाल को डाल के अच्छे से डलिया में लेके उसको साफ करेंगे जिससे कि उसमें छिकल ना रहे। और यहाँ पे ना हमारे घर के बाहर ही हेडपम्प था तो यहीं पे बैठ के फिर सब लोगों ने यहाँ पे दाल को धोया एंड सब लोगों ने मिलके खूब सारे गाने गाए और यहाँ पे खूब सारी मस्ती चल रही थी। और जब बहुत सारे लोग होते हैं ना तो खूब सारी मस्ती भी होती है। एंड ये देखिए यहाँ पे दाल धोने की रस्म स्टार्ट हो गई है। सो अभी दाल धुल गई है और दाल धुल गई है तो अब उसके बाद दाल बटेगी और फिर उसके बाद हमारे यहाँ बड़े बनते हैं और जो मंडप का खाना होता है ना उन सब में बरा वगैरह जो बनते हैं ना उसमें परोसा जाता है। सो आज तेल है फिर कल मंडप है। कल मंडप वाले दिन के लिए दाल डाली हुई थी वो और उसको धोया फिर उसको पीसेंगे और उसके बस उसके बाद फिर उनके बनाएंगे बड़े। बैक टू बैक कुछ ना कुछ चल रहा है। बच्चे इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं आज है होली खेलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। सब पिचकारी लेके देखो घूम रहे हैं बच्चे। ये देखो रुद्राक्ष को देखो दिव्यांशी भी खेलने में लगी हैं और ये है हमारे सबसे छोटे देवर जी। सो अभी हम लोगों ने भी होली खेल ली है ना थोड़ी खेली एंड पीछे ना दादी की फोटो लगी हुई है वो देखो चीज। और ये देखो हमारी दुल्हन साहिबा और आज हमारे घर में ना बहुत सारे फंक्शन होने वाले हैं। सो जिसमें से आज क्या होगा तेल चढ़ेगा। सो हमारे यहाँ सबसे पहले मतलब जो फंक्शन स्टार्ट होने से पहले सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो तेल चढ़ने का होता है। सो दुल्हन को सबसे पहले तेल चढ़ेगा एंड बाकी उसके बाद फिर और धीरे धीरे और भी फंक्शन स्टार्ट होंगे। सो आज शाम में तेल चढ़ेगा और हमारे यहाँ फिर वो मिट्टी खोदने भी जाते वो सारी चीज़ें आप लोगों को ब्लॉग में शेयर करनी है। सो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी बहुत सारे लोग आएंगे शाम में मतलब जो भी रहते हैं यहाँ पे और बाकी हमारे रिलेटिव्स धीरे धीरे आ रहे हैं। बुआ जी और आ गए हैं हमारी दोनों पिचकारी लगी हाँ हमारी दोनों बुआ जी आ गई हैं और बस हम लोग आ गए हैं और बाकी के अब धीरे धीरे लोग बाग आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो खूब मस्ती करेंगे खूब फन करेंगे खूब नाचे गाना करेंगे है ना। क्यों डीजे नहीं लगना मेरी आंख कर दिया आपको होली की एक्साइटमेंट है या बुआ की शादी की होली की है। होली तो चली जाएगी अब बुआ की शादी आएगी तो बुआ की शादी में खूब नाचेंगे गाएंगे। और दिव्यांशी की किसकी शादी है मौसी की शादी है दिव्यांशी की। अच्छा हाय कर दो सब ऐसे कर दो। अच्छा हेलो बोल दो वो फ्रूटी दिलाएंगे आपको। हेलो बोल दो फ्रूटी दिलाएंगे वो आपको। दिव्यांशी को फ्रूटी चाहिए इसलिए वो इतनी ज्यादा मतलब गुस्से में खड़ी हुई है। उसके मामू उसको फ्रूटी नहीं दिलाने ले जा रहे क्यों। बच्चे होते हैं ना अगर उनको दुकान का पता चल जाए ना तो सारा दिन दुकान के खाने पीने की जिद करते रहते हैं। सो वही हाल इधर भी हो रहा है मामू फ्रूटी नहीं दिला रहे हैं। चलो जाओ फ्रूटी पी के आ जाओ। सो गाइस ब्लॉग में बने रहिए एंड तक बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए और देखते हैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे और तो कुछ बाय बाय मिलते हैं थोड़ी देर से। अभी हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट लोग आने वाले हैं मतलब जो भी यहाँ के आस पड़ोस के लोग हैं ना वो आने वाले हैं क्योंकि अभी थोड़े धीरे फंक्शन स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घर में वो सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। क्या चाहिए बेटा भैया पिचकारी नहीं दे रहा भाई और रॉबिन की पिचकारी कहाँ है बेटा दे दो हाँ झाड़ू लगा लो ऐसे ही वेरी गुड। सो गाइस बना रहे हैं बड़े दो दाल धुली थी ना उसको पीस के अब उसके और बुआ लोग बड़े बना रहे हैं।
मेरे से तो नहीं बने, बुआ के अच्छे बन रहे हैं और बुआ गाना भी गा रही है संग में। आर्टिफिशियल काम कर रही हूँ, ऊपर से सेब दे रही हूँ, बुआ के नेचुरली सेब बन रहे हैं।